अखबारों की हेडलाइन दिखाते हुए राहुल गांधी ने बताया कि गौतम अडानी और उनके परिवार के लोगों ने अपने शेयर ऊपर ले जाने के लिए खुद फ्रॉड किया और इसके बाद फ्रॉड करके अपनी कंपनी में निवेश करवाया। इसके साथ ही उन्होंने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के चैनल NDTV में उस व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया गया जिसने सेबी की जांच में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी को इस सारे खेल का मास्टरमाइंड बताया है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि सेबी और मोदी सरकार गौतम अडानी को क्यों बचा रही है। अब बात यह है कि आखिरकार इन सवालों पर अडानी ग्रुप को जवाब देना चाहिए। क्या वाकई NDTV में उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया गया है जिसने सेबी की जांच में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी थी, और अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर किस वजह से बनाया गया, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है।